मेला नंदा सुनंदा देवी का 2024 समय देश के सिपाही दिखाई दे रहे हैं। पल पल में नैनीताल का मौसम बदल जाता है, तेज बारिश होने लगी है। देखिए यहाँ पे काफी झंडे भी लगे हैं माता के, बाहर की गाड़ियाँ भी दिख रही हैं और लोकल गाड़ियाँ भी दिख रही हैं। थोड़ी देर पहले बारिश थी और एकदम से रुक गई, इसीलिए कहते हैं नैनीताल का मौसम और बॉम्बे का फैशन। नमस्कार दोस्तों, विक्की एंड टेल वीडियोस में आपका स्वागत करता हूँ और आज की न्यू वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ अपने ही घर से। तो ले चल रहा हूँ, मेले की तैयारी चल रही है और 7 सितंबर है आज, तो मौसम हल्का फुल्का, धूप भी आ रही है और बीच से धूप आ जा रही है, कभी बारिश हो रही है कभी रिमझिम बारिश है। तो कैसा होता है मौसम आज का और मेले की तैयारी कैसी चल रही है और टूरिस्ट कितना है नैनीताल में, सारा कुछ अपडेट लेते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग बने रहिए। आने वाले दिनों में दोस्तों यहाँ पे नंदा महोत्सव जो कि 8 तारीख से यहाँ पे प्रोग्राम जितने भी कार्यक्रम हैं ये सब शुभारंभ हो जाएंगे। और यहाँ पे ये देखिए वितरण लिखा हुआ है, टाइमिंग लिखी हुई है और महोत्सव का सारा कुछ, ये कैलेंडर है। तो 2024 माँ नंदा सुनंदा देवी महोत्सव यहाँ पे काफ़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और आप सभी को चैनल में दिखाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग बने रहिए, जय माता दी। नगर पालिका के पास हूँ और काफ़ी चमकती हुई नगर पालिका है जो कि ब्रिटिश टाइम की है। लगातार रिमझिम बारिश है और इस समय मेले की तैयारी चल रही है और काफ़ी पहुँचे हैं मेला नंदा सुनंदा देवी का 2024। काफ़ी नए नए झूले भी दिखाई दे रहे हैं। इस बार का नंदा महोत्सव काफ़ी बढ़िया जाने वाला है लगता है। और देखिए यहाँ पे तो नई नई दुकानें, काफ़ी इस बार की दुकानें भी डिफरेंट दिखाई दे रही हैं। तो देखते हैं कैसा मेला जाता है, तो आपको भी दिखाएंगे और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करिएगा और वीडियो शेयर करिएगा। सितंबर की 7 तारीख है और देखिए कल से मेला यहाँ पे शुभारम्भ हो जाएगा नैना देवी का। तो नंदा सुनंदा महोत्सव 2024 आपको काफ़ी नैनीताल में दिखाने वाले हैं। और आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो मेन बोर्ड स्टैंड है मल्लीताल का और काफ़ी टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे सैटरडे का दिन है तो आप आसपास की पब्लिक भी काफ़ी आ जाती है। तो इस समय काफ़ी अभी अभी बारिश रुकी है और देखिए सामने तो बोर्ड तैयार हो गई हैं और बिल्कुल टूरिस्ट भी जाने को रेडी हैं। तो झील में नौकाओं की बात करें तो अभी निकल ही गई हैं काफ़ी नौकाएँ। तो रिमझिम बारिश है इस समय, बादल भी आ रहे हैं और टेम्परेचर की बात करें तो 18 डिग्री 19 डिग्री के आसपास है अभी इस समय। और काफ़ी इधर की तरफ भी दिखाई दे रहे हैं तो स्टूडेंट भी काफ़ी दिखाई दे रहे हैं और बच्चे वाले भी हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग भी दिखाई दे रहे हैं नीचे की तरफ। तो शाम की मार्केट रहती है ये वाली, ये फुटपाथ मार्केट है और शाम को 7-8 बजे तक का ये मार्केट 9 बजे तक रहती है। सिनेमा हॉल है सामने, कैपिटल सिनेमा, तो सिनेमा इन्जॉय कर सकते हैं। काफ़ी सारे कैफ़े हैं, तो आगे में जाते हैं सैकलीज है काफ़ी पुराना, तो कैफ़े इन्जॉय कर सकते हैं। और शाम के टाइम पे आप आते हैं तो यहाँ पे कॉफ़ी का इन्जॉय कर सकते हैं आप झील के किनारे। तो देखिए यहाँ पे टूरिस्ट की बात करें तो छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुँचे हुए हैं नैनीताल घूमने। टूरिस्ट की बात करें, सैटरडे का दिन है तो काफ़ी टूरिस्ट हैं और शाम तक ये काफ़ी भीड़ हो जाती है यहाँ पर। तो सैटरडे संडे काफ़ी भीड़ होती है, आसपास की पब्लिक यहाँ पर पहुँचती है। तो आप लोग भी आइए, इस समय काफ़ी सुहाना मौसम है, बदलता हुआ मौसम मिलने वाला है आपको। तो इस समय नैनीताल प्लान करते हैं तो काफ़ी बढ़िया आपको मिलता है और इस समय गाड़ियां भी सस्ती हैं घूमने के लिए और होटल्स रेट भी काफ़ी 50% अभी इस समय चल रहे हैं नैनीताल के। मौसम की बात करें, पल पल में नैनीताल का मौसम बदल जाता है, तो हर आधे घंटे 15-20 मिनट में मौसम बदलता है। और देखिए यहाँ पर बीच से धूप आ गई है अभी इस समय, तो काफ़ी तेज़ धूप लगने लगी है और काफ़ी इस समय देखिए यहाँ पर व्यू, तो काफ़ी टूरिस्ट पहुँच रहे हैं और लोकल वाले भी काफ़ी दिखाई दे रहे हैं इधर की तरफ। बैंड हाउस तो पूरा पैक ही चल रहा है, देखिए सामने फोटोग्राफी का काफ़ी बेस्ट हो गया है यहाँ पे फोटोग्राफी बिल्कुल। मछलियाँ भी देखिए यहाँ पे काफ़ी मछलियाँ हैं और इनको चारा खिलाना बिल्कुल प्रतिबंध है और इसमें चलान भी होता है। और ये मछलियाँ काई खाती हैं और झील को साफ़ रखती हैं। तो आप भी आते हैं जगह जगह, गाड़ियों से रिक्वेस्ट है आपसे कि पैदल भी चलते हैं या फिर गाड़ी से भी कहीं पर कूड़ा ना फेंकें तो कूड़ादान देख के ही डालें, क्योंकि नैनीताल देखिए जो झील है ये नाले द्वारा यहाँ पे पानी आता है और कूड़ा इसी में बह के पहुँच जाता है। नंदा महोत्सव भी आपको मिलने वाला है नैनीताल में, तो काफ़ी 8 तारीख से कल से ये यहाँ पे शुभारंभ हो जाएगा और 15 तारीख तक ये कार्यक्रम यहाँ पे चलेंगे। तो मेला भी आपको मिलने वाला है और नंदा देवी का डोला भी आपको मिलने वाला है। तो अष्टमी में आप आ सकते हैं यहाँ पर, तो अष्टमी यहाँ पर 11 तारीख की अष्टमी है और काफ़ी बढ़िया आपको मिलने वाला है। तो प्लान करिए और नैनीताल टूर पहुँचिए।
थोड़ी देर पहले बारिश थी और एकदम से रुक गई और बीच से धूप भी आ गई और मौसम ऐसे ही बदलते रहता है नैनीताल का, इसलिए कहते हैं नैनीताल का मौसम और बॉम्बे का फैशन। ये कहावत भी है काफ़ी पुरानी नैनीताल की, तो बदलते रहता है मौसम और इस समय सारे रास्ते खुले हैं और काफ़ी बढ़िया हो रहा है। इस समय बदलता हुआ मौसम आपको मिलने वाला है, तो नैनीताल प्लान करिए और नैनीताल काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। इस समय मेला भी मिल रहा है और काफ़ी अलग अलग यहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेसेस में भी काफ़ी देखने को मिलेंगे आपको। मेन अट्रैक्शन पॉइंट जो कि रिक्शा स्टैंड है और मॉल रोड यहाँ से स्टार्ट है, तो शाम को 6 से 8 ये क्लोज होता है टूरिस्ट के घूमने के लिए। उस समय बच्चों के हाथ छोड़ के आप आराम से मॉल रोड इन्जॉय कर सकते हैं और बाकी ई रिक्शाज भी यहाँ चलती हैं, 10 रुपये में तल्लीताल मल्लीताल जा सकते हैं आप। और ट्रैफिक की बात करें तो अभी बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है और आप लोग आते हैं अपनी कार लेके इस समय पहुँच सकते हैं नैनीताल। बाकी बस में आते हैं तो 85 रुपये का टिकट है और नैनीताल काठगोदाम हल्द्वानी से आप आते हैं। बाकी छोटी गाड़ियों में 150 से 200 रुपये में नैनीताल आप पहुँचते हैं। बाकी ट्रॉली का टिकट जो है 370 रुपये है आना जाना, और डायनासोर पार्क भी है उसमें इंक्लूड। और बोटिंग में जाते हैं 420 रुपये में फुल चक्कर है और हाफ चक्कर 320 रुपये में है, और रिक्शे का बता ही चुका हूँ आपको। बाकी काफ़ी सारा यहाँ पे और भी घूमने का रहता है, जैसे चिड़ियाघर आप जा सकते हैं 100 रुपये का 100 रुपीज़ का टिकट में। और काफ़ी देखिए यहाँ पे होटल्स हैं, काफ़ी रेस्टोरेंट हैं और ट्रैफिक देख सकते हैं अभी इस समय। बाहर की गाड़ियाँ भी दिख रही हैं और लोकल गाड़ियाँ भी दिख रही हैं। यहाँ पे किलोमीटर लिखा हुआ है तो कालाढूंगी 35 किलोमीटर है, राजभवन है यहाँ से 2 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे राइट से आप नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ से 4-व्हीलर लेके नहीं जा सकते हैं, लेफ्ट से जाना होता है। तो आगे में कार पार्किंग, इस समय मेला चल रहा है तो आगे आप जा सकते हैं मेट्रोपोल पार्किंग, सुकाताल पार्किंग, और रास्ते में भी काफ़ी छोटी पार्किंग भी है। और इस समय नैनीताल आप आते हैं तो काफ़ी सस्ता है, इस समय ट्रैफिक भी काफ़ी कंट्रोल है। देखिए यहाँ पे मेन वन वे पॉइंट है यहाँ पे, तो बी डी पांडे हॉस्पिटल है ऊपर में, और नैना पीक इस समय देखिए यहाँ पे बादल से आ रहे हैं, कोहरा आते रह रहा है और बारिश रिमझिम है। आगे में मिल जाता है आपको मेट्रोपोल पार्किंग, सुकाताल पार्किंग। इस समय ग्राउंड पार्किंग नहीं मिल रही है क्योंकि मेला इस समय यहाँ पे शुभारम्भ हो गया है और मेला की तैयारी है, तो इस समय आगे में पार्किंग मिल रही है 130 रुपये की। तो आप लोग आ सकते हैं अपनी कार लेके, इस समय नंदा महोत्सव आपको मिलने वाला है नैनीताल में। दिन के 2 बज रहे हैं और एकदम से लगातार तेज़ बारिश होने लगी है। देखिए यहाँ पे राज्य अतिथि गृह नैनीताल पे हूँ और नैनीताल क्लब है और सामने चीना बाबा मंदिर है, और काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी है दोस्तों यहाँ पे, और एकदम से बारिश भी हो रही है, कभी धूप आ जा रही है और एकदम से मौसम बदल रहा है। बड़ा बाजार हेरिटेज मार्केट पहुँच गया हूँ, देखिए यहाँ पे भी गेट लगने लग गया है और आगे में काफ़ी झंडे भी लगे हैं माता के। खड़ी मार्केट खाली खाली हो रही है देखिए यहाँ पे, तो इस मार्केट में ज़रूर आएँ, और काफ़ी इस समय देश के सिपाही दिखाई दे रहे हैं। तो खड़ी मार्केट जो कि हेरिटेज मार्केट के नीचे वाली मार्केट है और वायरलेस ये मार्केट है, और शाम के टाइम पे फोटोग्राफी का और यहाँ पे वीडियोग्राफी का काफ़ी बढ़िया है। तो कितनी साफ़ सुथरी ये मार्केट है, तो जगह जगह दोस्तों पैदल में चलते हैं, रैपर वगैरह बॉटल वगैरह कहीं पे ऐसे ना फेंकें, कूड़ा दान देख के ही डालें, क्योंकि साफ़ सुथरी ये नैनीताल सिटी है और कहीं पर भी आप चलते हैं इतना ध्यान ज़रूर रखें। और बाकी इधर की तरफ जाते हैं तो काफ़ी रेस्टोरेंट हैं और काफ़ी होटल्स भी हैं और सुपर मार्केट भी है और रामलाल ब्रदर्स, तो काफ़ी पुरानी ये दुकान है, तो सबसे पुरानी है और काफ़ी यहाँ पे कलेक्शन मिलता है बुलेंस का। तो दोस्तों फाइनली घर पहुँच गया हूँ और काफ़ी भीग भी गया हूँ और काफ़ी रिमझिम बारिश भी रही और काफ़ी तेज़ बारिश भी रही, तो मौसम बदला है और देखते हैं कल कैसा मौसम जाता है। तो और भी आपको अपडेट देने वाले हैं और नंदा महोत्सव दिखाने वाले हैं 2024। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग बने रहिएगा, और आज की वीडियो कैसी लगी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल में नए एक बार जरूर करिए। मिलते हैं कोई और अच्छी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय माता दी।